हम लोगों को हॉस्पिटलों में सैरी बांटने जाते हैं, और लाइक पेशेंट्स से उनके रिलेटिव्स जो घर पे खाना भी ना नहीं बना सकते, तो लाइक उनको भी हम प्रोवाइड करते हैं सैरी। सैरी के लिए काफ़ी परेशानी होती है लोगों को, तो हमारी टीम ने सोचा था कि हम ये चीज़ को शुरू करेंगे, और हमने शुरुआत जो केम हॉस्पिटल से किया था, और अलहमदिल्ला मुंबई के साउथ मुंबई के अक्सर हॉस्पिटल में हमारा सैरी जाता है। मकसद तो क्या है कि बस लोगों को सैरी पहुँचे, जो अल्लाह के लिए हम लोग कर रहे हैं वो अल्लाह उससे राज़ी हो जाए बस। अभी जब शुरुआत हुई थी तब तो 5-7 लोगों से शुरुआत हुई थी, आज माशाल्लाह कारवा बहुत बड़ा हो गया, 50-60 लोग जुड़ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सुकून मिलता है, बस लोगों की दुआ मिलती है, और इंशाल्लाह जितने लोग हैं यहाँ पे उनको या इस चीज़ का अजर मिले, सवाब मिले। ये करीबन 2013 से चालू हुआ है और अभी तक 2024 तक। रमज़ान एक मुकद्दस महीना है जहाँ पर लोग इबादत के जरिए अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग खिदमत के जरिए भी अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। मुंबई के अंदर ऐसा ही एक ग्रुप है जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए तकरीबन कई सालों से खिदमत अंजाम देता हुआ नज़र आ रहा है, कि मुंबई के जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लोग जो सहरी और इफ्तार के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, उसके लिए इंतजाम का सिलसिला लोगों ने चालू किया है। हम बात करते हैं उन्हीं लोगों से ही, आप ये बताइए कि ये सिलसिला कब से चालू किया आप लोगों ने? असल में हमने ये 2013 से शुरू किया था, और शुरू करने का रीज़न ये था कि ये मुंबई जो है ये हॉस्पिटलों का गढ़ है, यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, तो हमारी जो टीम थी वो अक्सर हॉस्पिटल में आती जाती रहती थी, तो हमको एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर जो है ना नियर में CST से लेकर साइन तक होटल खुली नहीं रहती रात के टाइम, तो सैरी के लिए काफ़ी परेशानी होती है लोगों को, तो हमारी टीम ने सोचा था कि हम ये चीज़ को शुरू करेंगे, और हमने शुरुआत जो केम हॉस्पिटल से किया था, और अलहमदिल्ला मुंबई के साउथ मुंबई के अक्सर हॉस्पिटल में हमारा सैरी जाता है। आप लोगों ने ये शुरुआत माशाल्लाह बहुत अच्छी करी, आप लोगों को क्या जज्बा आया और क्या सोच आई कि इस चीज़ की शुरुआत होनी थी? एक मतलब हमारे दोस्तों में से एक दोस्त नीचे खड़ा था, उसको एक पेशेंट के रिलेटिव ने आके पूछा कि भाई सुबह सहरी के टाइम पे यहाँ पे सहरी कहाँ मिलेगी, तो हम लोग जानते थे कि यहाँ पे कोई होटल खुली रहती नहीं, खाने पीने का कोई चीज़ मैसर होती नहीं है, तो वो बात उसके दिमाग में हमारे दोस्त को क्लिक कर गई, फिर उसके बाद हम लोग ने मशवरा करके इस चीज़ को अंजाम दिया है, काम को अंजाम दिया। तो आज मुंबई के कौन कौन से अस्पताल में आप लोग सहरी का इंतज़ाम मतलब पूरा करवाते हैं, कौन कौन से मुंबई? CST से लेके सायन हॉस्पिटल तक, बीच में जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो प्रीफर्ड है, उसके अलावा बाकी जो हॉस्पिटलों का ऑन कॉल रिक्वायरमेंट आता है, कभी मसीना से आ गया, कभी बालाजी से आ गया, कभी बॉम्बे हॉस्पिटल से आ गया, कभी ब्रिशनरी हॉस्पिटल से आ गया, तो वहाँ के सारे हॉस्पिटलों के लिए हम हमारे बंदे लोग हैं जाके पहुँचा देते सैरी। इसका मकसद क्या है? मकसद तो क्या है कि बस लोगों को सैरी पहुँचे, और हमारा काम जो है मतलब जो अल्लाह के लिए हम लोग कर रहे हैं वो अल्लाह उससे राज़ी हो जाए बस। टीम वर्क के अंदर कितने लोग लगते हैं आपके साथ? अभी जब शुरुआत हुई थी तब तो 5-7 लोगों से शुरुआत हुई थी, आज माशाल्लाह कारवा बहुत बड़ा हो गया, 50-60 लोग जुड़ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह करने के लिए। जैसे रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो लोग आ जाते हैं, अपने आप किसी को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप काम करने के लिए आ जाते हैं। 50-60 लोगों की एक टीम बन गई है आप लोगों की, आप लोगों ने जो खिदमत का काम चालू किया, तो ये तो साफ बात है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए तमाम लोग ये रमज़ानमबारक में करते हैं। रमज़ान के अलावा भी आप लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं ऐसी? देखो हम लोग तो परेल में, जो ये मेन एरिया परेल का है, तो ये पर हॉस्पिटल में हम लोग को आना जाना रहता है, तो जैसे भी पेशेंट की ज़रूरत रहती है वक्त के अतबार से हम उसको पूरा करते, तो उस तरह से हम काम करते हैं इधर परेल के एरिया में। कितने बजे सहरी लेके निकलते हो और कौन कौन से होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ, ऑलमोस्ट 2:45 या 3 बजे तक निकलता हूँ, और सबसे पहले मैं जाता हूँ केम, उसके बाद मल्टीपल लोकेशन से, तो मैं 7 जगह जाता हूँ, केम पे जाता हूँ, फिर नायर जाता हूँ, साबू सिद्दीक है, सेंट जॉर्ज है, SRCC, पोलियो, टोपी वाला, ब्रिज कैंडी, चर्च गेट और सेंट जॉर्ज, तो इतनी लोकेशंस पे मेरा रहता है जाना, वहाँ पे जाके डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों रहते हैं, उनको जाके सैरी देना रहता है। कैसा लगता है आपको ये देने के बाद और क्या लग रहा है कि आपकी खिदमत करते हैं? बहुत सुकून मिलता है, बस लोगों की दुआ मिलती है, और इंशाल्लाह जितने लोग हैं यहाँ पे उनको या इस चीज़ का अजर मिले, सवाब मिले, इंशाल्लाह। इतने साल से चल रहा है ये सब चीज़, माशाल्लाह 12 साल हो गए आज, और मैं करीबन यहाँ पे 4 साल से आता हूँ, और बहुत सुकून मिलता है दिल को ये सब करके। ये करीबन 2013 से चालू हुआ है और अभी तक 2024 तक। तो आप क्या खिदमत करते हैं यहाँ पर? ये लाइक हम लोगों को हॉस्पिटलों में सैरी बांटने जाते हैं, और लाइक पेशेंट्स से उनके रिलेटिव्स और भी कोई लाइक जो वर्क करने आते हैं इधर साउथ मुंबई साइड में,
जो घर पे खाना भी ना नहीं बना सकते, तो लाइक उनको भी हम प्रोवाइड करते हैं सहरी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मस्त लगता है, लाइक बांटने के बाद इतनी खुशी होती है, लाइक वो खाते तो ऐसा लगता है बहुत एकदम खुशी मिलती है, और वो सहरी रखते हो हमारी वजह से है और इतना सवाब मिलता है, बोल नहीं सकते और कुछ वर्ड्स नहीं उनके लिए। ये मैक्सिमम 12 बजे से चालू हो जाता है पैकिंग वैकिंग करना सब, डब्बे पे पैकिंग करना सब चालू हो जाता है। फिर उसके बाद डब्बे पे पैकिंग होने के बाद फिर वो थैली लिए पैकिंग वैकिंग करके सब थैली में पार्सल सर बंद करके 3 बजे तक ऐसा पूरा हो जाता है। 3 बजे के बाद फिर सब हॉस्पिटल में रवाना हो जाते हैं। ये तमाम जो लोग हैं इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इन्होंने जो सहरी और अफ्तार का सिलसिला शुरू किया है तकरीबन 2012 से शुरू किया है, 2024 चल रहा है, तकरीबन 12 साल हो गए हैं, और इनका एक ही मकसद है कि अल्लाह जो है वो राज़ी हो जाए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में तमाम जो नेकियाँ होती है वाकई में अल्लाह को राज़ी करने के लिए होती है, और अल्लाह इनकी खिदमत को जो है कबूल करे। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।